अभी अभी उस सिस्टर की बच्ची की हमने गवाही दी ना, अभी सिर्फ एक महीना हुआ पवित्र आत्मा को भी पाल, मैंने देखा कितने शब्दों से वो अन्य भाषा से खुदावन से बातें करते। और बाइबल में लिखा है कि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुखों से नहीं, वो डायरेक्ट किससे बातें करता है, लिखा आत्मा भेद की बातें किससे करता है, परमेश्वर से करता है। लिखा वो पवित्र लोगों के लिए सिफारिश करता है, विनती करता है, हाँ वो हमारी कमजोरी में सहायता करता है। अब जो आत्मिक कोई आत्मिक हो तो इसको समझे ना कि जो पवित्र आत्मा परमेश्वर ने हमें दिया है वो हमारी क्या करता है, हमारी सहायता करता है। हमेशा मैं अपनी गवाही देता हूं, जब मेरा बेटा बड़े वाला पैदा हुआ तो मेरे ऊपर बड़ी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि डॉक्टरों ने इसे जवाब दे दिया था इसके बचने के कम चांस थे, बड़े कम चांस थे। पर मैंने ये सीखा था, मैंने ये समझा था कि यो आत्मा मुझे मिला है ये मेरी कमजोरी में क्या करता है, मेरी प्रॉब्लम में क्या करता है, मेरी सहायता करेगा। ये परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो सिफारिश करता है पवित्र लोगों के लिए, हमारे लिए। हाँ इसका बच्चा बीमार है, इसके ये प्रॉब्लम है, इसके रसौली, इसके पथरी है, इसके बेबी नहीं है, इसके घर में क्लेश है, इसका बच्चा ऐसा है, इसका पति ऐसा है। कितनों को समझ आ रही है, कितनों को समझ आ रही है, एक बार जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो। अब आपको ये समझ आ गई, अगर बोलो क्या आ गई, अगर आपको ये समझ आ गई तो आप रोज रोज जब ये चीजें करने लगोगे तो परमेश्वर अन्यायी परमेश्वर नहीं है कि आप ये चीज कर रहे हो और कुछ ना करें। ऐसा परमेश्वर है, बोलो बताओ मुझे, ऐसा है वो? ऐसा परमेश्वर नहीं है, बोलो क्या है? और मैं जब नया नया आया तो मुझे बाइबल की वचन की इतनी नॉलेज नहीं थी, ज्ञान नहीं था, पर मैं इतना जानता था कि जो पवित्र आत्मा मेरे पास है, अगर मैं उस आत्मा से उस भाषा से खुदावन से प्रार्थना करूंगा तो परमेश्वर क्या करेगा, मेरी सहायता करेगा, क्या करेगा, मेरी सहायता करेगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि डॉक्टरों ने बताया था कि हम 72 घंटे उन्होंने मोहलत दी, 72 घंटे 3 दिन लगेंगे, 72 घंटे के बाद आपको बताएंगे इसने बचना कि नहीं बचना। और मैंने 72 घंटे मैंने रात दिन एक कर दिए, क्या कर दिया, मैंने रात दिन एक कर दिए, पूरा दिन अन्य भाषा, रात को 12-12 एक एक बजे तक अन्य भाषा, स्वाई चार रोटी के अलावा पूरा दिन रात तक अन्य भाषा, अन्य भाषा, अन्य भाषा। बोलो क्या है? अब लोग कहते हैं कि मेरा काम नहीं हो रहा, मुझे हीलिंग नहीं मिल रही, मुझे चंगाई नहीं मिल रही, मुझे आशीष नहीं मिली। तुम जो खुदावंद ने अपनी आशीष का, छुटकारे का वचन दिया है तुम्हारे लिए, सब कुछ उसने तुम्हें दे दिया है, क्या तुम उस चीज को समझ कर रहे हो कि बस आए और आराम से बैठे हो, और तुम कहते हो कि हाँ यीशु मसीह जादू की छड़ी और तुम बस कर दो और हम कुछ ना करें। अरे नहीं, इन चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा। यीशु मसीह कोई सियाणा बाबा नहीं है, हाँ दो लाचियां दी और ये काम किया और काम हो गया। पर जब हम समझ कर उसकी बातों पर, उसके वचन को विश्वास करते हैं, जो काम इस संसार में डॉक्टर, कोई बड़े से बड़ा तांत्रिक बाबा भी नहीं कर सकता, वो कौन करता है, कौन कर सकता है, बोलो कौन कर सकता है? उस डॉक्टर जीसस के लिए फिर से जोर से तारीफ करो, क्योंकि वो करने की ताकत रखता है। आमीन।